हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। तो आज बात करेंगे रिगार्डिंग गेट 22 पोस्टपोन को लेके। तो देखो, गेट 22 पोस्टपोन होगा कि नहीं इसको लेके अभी तक कोई क्लियर का बात सामने नहीं आ रहा है कि होगा कि नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केस वगैरह कर रहे हैं, वो सब चल रहे हैं, वो सब चलते रहेगा। बट साथ ही साथ जितना भी एस्पिरेंट हो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई चालू रखो ताकि आपको ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होकर रहना बहुत बड़ी बात है, और अपने आपको थोड़ा बहुत जो भी आप रिवीजन का स्टेज चल रहे हैं रिवीजन वगैरह करते रहो ताकि पोस्टपोन ना हो तो तब भी आप एग्जाम दे पाओ। हालांकि जो भी पोस्टपोन होने का बात हो रहा है वो तो होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, कॉमन रीजन है पोस्टपोन होने का। ऑब्वियसली कोविड है और काफी बच्चे कोविड पॉजिटिव भी हो चुका है, तो डेफिनेटली पोस्टपोन करना चाहिए। बट ये काफी बुरी बात है कि इंडिया जैसा कंट्री में मोर देन 50,000 बच्चे ने, आई थिंक 50,000 क्या, उससे ज्यादा बच्चे ने पिटिशन में साइन किया है। उसके बाद भी बहुत कुछ हो रहे, फिर भी कुछ नहीं हो रहे, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। आईआईटी खड़गपुर मस्ट थिंक अबाउट इट, क्यों ऐसा कर रहे हैं किसी को पता नहीं। बट देखो, अभी जो भी एस्पिरेंट हो या फिर एस्पिरेंट ना भी हो, इस वीडियो को देख रहे हो आप, अपना 2 मिनट टाइम निकल के एक काम कर सकते हो, नॉट इवन 2 मिनट्स, 1 मिनट निकल के एक काम कर सकते हो कि देखो, एक हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंडिंग में है इस वक्त, दैट इज हैशटैग पोस्टपोन गेट 2022। ठीक है, तो थंबनेल में आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ऑल स्मॉल लेटर में लिखना है हैशटैग पोस्टपोन गेट 2022, ये लिख के आप शेयर कर दो या फिर ट्वीट कर दो ताकि ये और ट्रेंडिंग में हो जाए। ऑलरेडी आई थिंक काफी लोगों ने इसको ट्वीट किया है, सिर्फ एस्पिरेंट तो नहीं, हर लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एस्पिरेंट ना भी हो तब भी आप ये ट्वीट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह का चीजों से क्या होता है, लोगों का नजर में आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या फिर जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर वगैरह होता है, उनका नजर में आता है सब, जब ट्रेंडिंग में आ जाता है तो हर कोई दिखता है कि यार ये तो मामला बहुत सीरियसली है। तो ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट या टाइम निकल के आपका एक ट्वीट कर दो, और द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी काइंडली इन ट्विटर जस्ट ट्वीट लाइक पोस्टपोन हैशटैग पोस्टपोन गेट 2022, दिस इज ऑलरेडी इन ट्रेंडिंग इन इंडिया। सो इफ यू want to help, just do a tweet, this same tweet, so that it will be seen by minister or any other political leader, and this way something may happen। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता है। काफी बार SSC का जो बच्चे है, SSC का हालांकि aspirant या फिर student और ज्यादा रहते हैं, उस time भी trending में गया था और बात सेंट्रल लेवल तक पहुंच गया था और कहीं ना कहीं उसका एक्शन लिया गया था। तो बहुत ज्यादा चांस है कि गेट के लिए भी ये कुछ रेस्पॉन्स दे, तो आप जितना हो सके ये काम कर दो। और जो क्या बोलते हैं, जो हैशटैग है वो मैं थंबनेल में भी रख दूंगा, तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दो, ये थोड़ा और ट्वीट करके थोड़ा और पब्लिश कर दो ताकि लोग देखे, जितना हो सके इतना शेयर करो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप या फिर जो 2-4 ग्रुप मेरे पास है, मैं सबको शेयर कर रहा हूँ, और आप भी जितना हो सके जस्ट इस वीडियो को और उस ट्वीट को थोड़ा शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। और जितने भी एस्पिरेंट हो, पढ़ाई चालू रखो, क्या होगा क्या नहीं बोल नहीं सकता, बट ये एक वन ऑफ द बेस्ट वे है कि सबके नजर में ये चीजें आए, लोग सीरियस हो इस बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुद एस्पिरेंट ना हो बट आप एस्पिरेंट का फैमिली का हो सकते हो, किसी का बच्चा, किसी का दोस्त, कोई भी एग्जाम देने जा सकते हैं, और इतना मुश्किल सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में एग्जाम देना, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। काफी सारे एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो रहे हैं, तो गेट मस्ट, IIT खड़गपुर मस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये एक सीरियस मैटर है, जितना हो सके इतना शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।